प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए। हेलो फूडहोलिक्स, आज हम बना रहे हैं पनीर वेज फ्रैंकी, जिसे हम पनीर रोल भी कहते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत 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 टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आज आप ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक करना मत भूलेगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, और नीचे कमेंट करना तो प्लीज़ ज़रूर मत भूलेगा अगर आप ये डिश घर पर बना रहे हैं। तो जल्दी से हम ये डिश देख लेते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा 200 ग्राम, अदरक लहसुन मैंने घिस के रखे हैं आप 1-1 चम्मच, शिमला मिर्च मैंने 1 काट के रखी है, कैबेज मैंने आधी काट के रखी है या फिर 1/4, और प्याज मैंने 1 काट के रखी है। सॉस में मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस लिया है 1 बड़ा चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1 बड़ा चम्मच, और टोमेटो केचप मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप धनिया, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, और कसूरी मेथी मैंने 1 चम्मच ली है। पनीर को मैंने लंबे लंबे मोटे पीसेस में काट के रखा है 150 ग्राम। अब एक मिक्सिंग बॉल में हमने जो हमारा मैदा था वो ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं नरम दूध, हल्का सा गरम दूध मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से गूंथ लूँगी आटे को। तो आपको आटे को जो हमारे रोटी का आटा होता है नरम आटा वैसे बनाना है, ना ही ज़्यादा ये हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हमारा जो रोटी का आटा होता है बिल्कुल वैसा है, तो इसको हम वैसे ही गूंथेंगे अच्छे तरीके से। और इसको गूंथ के आपको ढक के रख देना है साइड में, हल्के से तेल से आप वापस से हल्का सा एकदम डाल के इसको अच्छे से गूंथ लें। देख सकते हैं हमारा जो नरम आटा है वो तैयार है, इसको आप ढक के साइड में रख दीजिए, देखिए कितना नरम है। तो तब तक हम सॉस बना रहे हैं। मैंने पैन में 1 चम्मच तेल में हमारा जो लहसुन था 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया इसके अंदर, घिसा हुआ 1 चम्मच लहसुन। अब मीडियम आँच पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जो अदरक मैंने घिस के रखा था वो डाल दिया हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने जो प्याज काट के रखी थी 1 बड़ी वो डाल दी, मिर्च जो मैंने पत्ता गोभी काट के रखी थी वो डाल दी है मैंने, और शिमला मिर्च मैंने डाल दी है 1 कटी हुई, अच्छे से मैंने लंबी लंबी काट के रखी थी। अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे, जैसे कि नमक मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मुश्किल से जैसे आप देख सकते हैं हम ज़्यादा पकाना नहीं है, 1-2 मिनट तक आप इसको पकाएं। तो वो हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। अब हम पनीर को फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं हल्के से तेल में। तो पनीर को आप बिल्कुल 1 चम्मच तेल में फ्राई कर लीजिए, इस पर भी आप चुटकी भर जो हमारे मसाले होते हैं जैसे गर्म मसाला होता है, चाट मसाला होता है, हल्का हल्का चुटकी भर डाल दीजिए ताकि पनीर में भी फ्लेवर आए, जैसे हमने सब्ज़ी में मसाले डाले थे वैसे ही। तो इसमें भी आपको हल्का चाट मसाला और गरम मसाला हल्का सा आप डाल दीजिए। नमक हमने उसमें डाल दिया है सब्ज़ी में, तो नमक आप इसमें मत डालिएगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। इसी में मैं सॉस मिला रही हूँ, जैसे 2 बड़े चम्मच मैंने टमाटो सॉस डाल दिया, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस, सारे सॉस डाल दिए। हल्की सी मैंने इसमें चीनी मिलाई है ताकि सॉस का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा खट्टा ना लगे। अब इसके अंदर हमारे जो मसाले बचे हुए थे 1/2 चम्मच मैंने वो डाल दिया है, गरम मसाला, चाट मसाला और कसूरी मेथी, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। तो बाकी के जो आधे मसाले मैंने सब्ज़ी में डाले थे, आधे इसमें सॉस में डाल दिए, और हमारे सॉस वाला जो पनीर है बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम जल्दी से हमारी जो रोटी है, चपाती है रोल के लिए, वो तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट के लिए आटे को साइड में रखा था, उसकी मैंने एक लोई तैयार कर ली, उस सेक्शन को मैं अच्छा अच्छा पतला बेल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रोटी जो है मैं बिल्कुल पतली रखूँगी, और इसको बड़ी रोटी आपको बनानी है, क्योंकि रोल जब हम रोल करते हैं तो बड़ा रोल बनना चाहिए, उसके लिए बड़ी आपको अच्छे से, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया था। अब मैंने इसको हल्के से तवे पर मैं इसको सेकने के लिए मैंने डाल दिया है, तो तवे पर मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है, हल्का सा गरम है तवा। अब जब ये पक गया एक तरफ से, फिर आप हल्का सा तेल लगाइए पकी हुई साइड पे, फिर दूसरी पकी हुई साइड पे हल्का सा तेल लगाइए, और ऐसे ही जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए रोटी के ऊपर, तब तक आप इसको पका सकते हैं मीडियम आंच पे। आप देख सकते हैं रोटी का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हमारी रोटी भी पक के तैयार हो गई है। बिल्कुल पतली रखनी है, आपको ध्यान रखिएगा पतली रखनी है, और बड़ी बनानी है रोटी। तो हमारी रोटी आप देख सकते हैं अच्छे से पक गई है, अभी हम रोल बनाना शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट का जो होती है रोटी बिल्कुल वैसी लग रही है।
हल्का सा मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस लगा रही हूँ, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं या फिर आप इसमें टोमेटो केचप सॉस जो होता है वो लगा सकते हैं, मैंने ग्रीन चिली सॉस लगाया। अब जो मैंने सब्जी तैयार की थी कैबेज और शिमला मिर्च के मसालों के साथ, वो मैंने डाल दी है। हल्का सा मैं कच्चा प्याज भी डालूंगी जो बहुत टेस्टी लगता है। अब सॉस वाला जो मैंने पनीर तैयार किया था इसमें सारे सॉस थे वो मैंने डाल रही हूँ, तो ये अच्छा टेस्ट देता है, सॉस एकदम लगा हुआ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें भी। अब इसके ऊपर हल्का सा आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर, और देखिए मैंने रोल बंद कर दिया और हमारा रोल तैयार है, और ये बहुत बिल्कुल मार्केट में जैसा मिलता है बिल्कुल वैसा लगता है। तो ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको डिश अच्छी लगी और आप कौन सी डिश देखना चाहते हैं आगे, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको डिश अच्छी लगी तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।